लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में निस्बतन महफूज सनअतें फौरी खोलने का फैसला। केमिकल इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज, पेपर एंड पैकेजिंग, शोभा मातियात, तामीरात को काम की इजाजत। ईंटों के भट्टे, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, प्लम्बर, कारपेंटर की दुकानें, रियल स्टेट का कारोबार, जानवरों के अस्पताल और पौधों की नर्सरीज भी आज से बहाल। काम की जगहों पर कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम लाजमी करार। और स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा और अवामी मकामात बंद रहेंगे। शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल समेत किसी भी किस्म के फन गाला पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स, जिम्स, नौकर क्लब बंद रहेंगे। इम्तिहानात और दीनी मदारिस में भी तदरीस मुअत्तल रहेगी। लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में निस्बतन महफूज सनअतें फौरी खोलने का फैसला। केमिकल इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज, पेपर एंड पैकेजिंग, शोभा मातियात, तामीरात को काम की इजाजत। ईंटों के भट्टे, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, प्लम्बर, कारपेंटर की दुकानें, रियल स्टेट का कारोबार, जानवरों के अस्पताल और पौधों की नर्सरीज भी आज से बहाल। काम की जगहों पर कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम लाजमी करार। और स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा और अवामी मकामात बंद रहेंगे। शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल समेत किसी भी किस्म के फन गाला पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स, जिम्स, नौकर क्लब बंद रहेंगे। इम्तिहानात और दीनी मदारिस में भी तदरीस मुअत्तल रहेगी। लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में निस्बतन महफूज सनअतें फौरी खोलने का फैसला। केमिकल इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज, पेपर एंड पैकेजिंग, शोभा मातियात, तामीरात को काम की इजाजत। ईंटों के भट्टे, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, प्लम्बर, कारपेंटर की दुकानें, रियल स्टेट का कारोबार, जानवरों के अस्पताल और पौधों की नर्सरीज भी आज से बहाल। काम की जगहों पर कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम लाजमी करार। और स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा और अवामी मकामात बंद रहेंगे। शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल समेत किसी भी किस्म के फन गाला पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स, जिम्स, नौकर क्लब बंद रहेंगे। इम्तिहानात और दीनी मदारिस में भी तदरीस मुअत्तल रहेगी।